भी आप आभा को देखना, अभी वो आभा को नए नए आवाज से डर लगता है। वहां जाके देखेगी फिर, देखो देख रही है। अले आभा, आभा सूट फिर आवे अगले आवे। आभा आभा तो अभी रामदेव को लगी है भूख, है ना? यस। चलो ओम, रेडी फॉर फूड? मुझे भूख ज्यादा नहीं। ओम को तो कभी भूख लगती ही नहीं। चलो तो यहाँ पे इन दोनों का खाना जैसे घर पे ये खाते हैं वैसे ही खा रहे। वैसे हम ज्यादातर यहाँ आते ये होटल मेरे दोस्त है विक्रम भाई उनकी है, जो लॉर्ड्स होटल भी है पोरबंदर में उनकी। मैंने अभी ना पानी पूरी मंगवाई। हाँ तो इसमें कोई प्राउड लेने वाली तो बात है नहीं। ओम को पिज़्ज़ा खाना है ना, लाइक इट? टेस्टी? आई एम वेटिंग फॉर माय पिज़्ज़ा रिबाउंड। ओके। तो भारती ने अभी स्वीट पोटैटो निकलवाए मेरे पास, कुछ खुद ने भी निकाले। मैंने निकाले थे थोड़े से। भारती ने निकाले थे थोड़े से। हाफ हाफ। हाँ हाफ पापा ने निकाले, हाफ तुमने निकाले। फिर तो बहुत ज्यादा लोग हो गए। तुम्हारे पैसे गिर गए। निकालने वाला आदमी कम है। 200 रुपये कल के है नहीं? कल के वो पॉकेट में थे। ओके तो अभी वो स्वीट पोटैटो जो सकरिया बोलते हैं ओम उसकी चिप्स खाता है, वो जो मटके में बनाते हैं। ऐसे हाथ में आया तो मम्मी का हाथ इधर से आ गया कि वो दे दो, तुम्हारे जो हाथ में है वो दे दो। ये लो, मैं इवनिंग को मैं यहाँ पे लेके आई थी देने के लिए, बचे थे कुछ। तो अभी ओम का स्टार्ट हो गया, अभी तो अच्छे से बैठ गया है। अभी जो ऑनलाइन स्टार्ट ऑनलाइन में होता है ना, 10:30 तक होगा, 1 बजे तक होगा। तो अभी वो कंटिन्यू होगा, बीच में 10-10 मिनट की ब्रेक आएगी। और वहाँ पे इजीली अच्छे से कर लेता है। मेरे सामने कल बहुत रोया था इवनिंग को जब मैं करवा रही थी, लेकिन अभी वहाँ पे बैठ के कर लेगा। एंड अभी वो सकरिया को वॉश करके थोड़े से फ्राई करने के लिए रखते हैं और बाकी का मटके में डाल देते हैं। और मटके को ऐसे ही रहने देना है इवनिंग तक, अगर मम्मी नहीं बोलेंगे तो। वरना मम्मी को जल्दी होती है निकालने की, मम्मी को याद आ जाता है कि जल जाएगा, तो फिर मम्मी जाके निकाल के लेके आते हैं। तो अभी यहाँ पे है, आज बहुत सारे निकाले हैं। सो ओम को इसकी चिप्स अच्छी लगती है, इसकी चिप्स बनती भी अच्छी है और हेल्दी भी होती है। तो ये चिप्स के लिए एंड फिर मटके में डालेंगे। अभी मम्मी पापा को जाना है गांव में दर्शन करने के लिए, तो मम्मी भी जा रहे हैं, राम के लेके जा रहे हैं। अभी अभी मैं जल्दी जल्दी वो सुखा के मटके में डाल के रेडी कर लेती हूँ। पापा आके बोलेंगे कि वाह क्या बात है, तो भारती ने सब कुछ रेडी कर लिया। ज़्यादा कुछ नहीं होता मटके में डाल के, उसका जो ऊपर का जो मुँह बंद करना होता है वो थोड़ा सा पापा ही करते, बाकी तो उसमें बस भर देना है अंदर, और जो हम आए देसी तरीके से वहाँ पे ज़मीन के अंदर रखते हैं वहाँ पे रखना है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑयल रखा है ओम के लिए, और इसमें ओम के लिए ये स्वीट पोटैटो चिप्स बनाने के लिए। तो इसमें जो ऊपर की स्किन होती है वो मैं निकालती नहीं हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि ये भी हेल्दी होती है। एंड यहाँ पे आज मैंने सब्जी बनाई है, शायद आपको दिखेगा, ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली को तड़का लगा के पहले इसको अच्छे से कुक करके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है। बेसन होता है वो बेसन डाल दिया है। तो ये बेसन एंड ग्रीन चिली की बहुत ही अच्छी सब्जी बन गई है। अभी ये ऑलरेडी जम गई है थोड़ी सी, हाँ क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे पहले ही बना दी है ये।
पे जो हमने मटके में ये सब करिया रेडी किए थे, तो दोपहर को किसी ने खाए नहीं थे, तो फिर मैं लेके आई हूँ, पापा भी खाएंगे। स्किन निकाल के इसको अच्छे से पहले पेस्ट करके फिर इसमें हम गुड़ डाल सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी होता है। अभी अभी मैंने ओम को नहलाया, ओम को खिलाया, अभी 5:15, तो अभी थोड़ा सा बाहर धूप कम है, वरना जो लू होती है आजकल जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा वो तुरंत आज गया है राजकोट, क्योंकि जावा रेडी हो चुका है, सो जावा को वापस लेने के लिए बोल रहा था कि अराउंड 7-8 बजे निकलेगा वहाँ से, क्योंकि अभी धूप होती है ज़्यादा, और आई थिंक राजकोट में भी 8 बजे से कर्फ्यू हो जाता है, सो इससे पहले निकल जाएगा, सो रात को आ जाएगा वापस, और हमारा जावा भी रेडी होके रिपेयर होके आ जाएगा वापस आज। तो हमने भी अभी नहा लिया है ना, हाँ। अभी इवनिंग का टाइम है तो हम बाहर खेल सकता है। ओम ऐसे मुझे भी गिराओगे दी, तुम बहुत हेवी हो गए हो, तो मुझे अभी मेकिंग का काम स्टार्ट करना होगा, घोड़ियों को खाना डालना होगा, है ना। हाँ। तुमको साइकिलिंग करना है या यहाँ पे खेलना है? यहाँ पे मम्मी लेके आई है क्यूकम्बर फार्म में से सीधा फ्रेश वाला। हाँ, खाना है तुमको? नहीं। सो अभी रामदेव का फोन आया था, अभी रामदेव वहाँ से निकल रहा है, चावा बैक टू नॉर्मल, सब कुछ चेंज हो गया, जो खराब हो चुकी थी चीज़ है वो। तो सबसे पहले मैं अभी तोरी एंड शिवानी बाहर है, आप देख सकते हो तोरी यहाँ पे है, शिवानी वहाँ पे है। हाँ, शिवानी का नाम ले तो शिवानी को पता चल जाता है ना शिवानी। तो अभी दोनों को चेंज करना है थोड़ी देर में अंदर, तो पहले दोनों को मैं यहाँ पे मूँगफली का चारा डाल देती हूँ, और इसका जो दूसरा जोगाड़ है वो भी डाल देती हूँ। शिवानी अभी रुको, अभी मैं लेने जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या फाइटिंग हो रही थी? हैं, ये फाइटिंग क्या चल रही है यहाँ पे आतों के साथ? क्या चल रहा है ये? इसका आ जाता है तो अंदर आने के लिए। अब चेंज करते हैं तोरी को। तो अभी यहाँ पे टीलू भी है, मीरा भी है, अभी ये खोलूंगी। ओके, यहाँ पे है ओम, अभी मैं ये खोलूंगी तो मीरा और टीलू दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो पहले मैं मीरा को बांध के आती हूँ, चलो निकलने दो दोनों, फिर टीलू को निकालती हूँ बाहर। निकलो उस साइड, निकलो दोनों, चलो 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 चलो। टीलू तुम तुम्हारी जगह जाओ, मीरा तुम अपनी जगह। मीरा समझ में नहीं आ रहा है, और इसके साथ कहाँ जाना है? तो अभी दरवाजा खोल दिया टीलू के लिए, टीलू अपनी जगह, ठीक है। हाँ जाओ अपनी जगह, जाओ जाओ, चलो टीलू वहाँ पे कहाँ जा रही हो? रॉन्ग वे, बाहर नहीं कह रहे टीलू। हाँ अपनी जगह जाओ। हाँ, तो अभी ये खाना है तोरी के लिए, निकल गया। अभी इसको दूध पीना है, और इसको भी। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो है, वो इसके पीछे, टीलू के पीछे मीवा है ना, वो आपका मम्मी है। तुम्हारा टर्न, फिर अबा का टर्न,
दूध पीने का। हम साइड में नहीं आ रही है। हाँ वो यहाँ पे ही जाती है, कभी कभी वो बाहर जाती है। सो अभी पहले टीना का दूध पीने का टाइम, फिर टीलू का मिल्किंग, बाद में आभा का टाइम। ठीक है आभा, 5-10 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी टीलू का मिल्किंग तो बहुत जल्दी हो जाता है। ओके हाँ।